हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों वाले प्लेटफॉर्म स्वयं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। यह विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अध्यापक गणों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को आभासी रूप से उपस्थित होंगे, उच्च गुणवत्ता वाले पाठन संसाधनों तक पहुंच, वाद विवाद मंचों पर भागीदारी, परीक्षा देने और शैक्षणिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। स्वयं तक पहुंच को शिक्षा के लिए समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ जोड़कर इसका विस्तार किया जाएगा। हम उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाओं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। यह सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्य प्रमुख संस्थाओं को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्व से मुक्त कर देगी ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सके। हमारे पास बहुत बड़ा जनसांख्यिकी फायदा है। अपने युवाओं की क्षमता को अधिकतम बढ़ाने के लिए जुलाई 2015 में स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को पहले ही 60 से ज्यादा जिलों में शुरू किया जा चुका है। हम अब देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में इन केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। देश भर में 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम पेश करेंगे। यह हमारे उन युवकों की सहायता करेंगे जो देश से बाहर नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं। हम 2017-18 में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम संकल्प शुरू करने का भी प्रस्ताव करते हैं। संकल्प 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण का अगला चरण भी 2017-18 में 2200 करोड़ रुपए खर्च करके शुरू किया जाएगा। स्ट्राइव का ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार संगतता में सुधार करने और उद्योग समूह दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण पर होगा। कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन का विशेष कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह की स्कीम चमड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए कार्यान्वित की जाएगी। पर्यटन बड़ा रोजगार सृजक है और इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। राज्यों की भागीदारी से विशेष प्रयोजन साधनों एसपीवी पर निर्भर रहते हुए 5 विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। पूरे विश्व में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं गरीबों तथा विशेष सुविधाओं से संचित वर्ग अध्यक्ष महोदय अपने प्रस्ताव की ओर आता हूं। सबका साथ सबका विकास बालिका और महिलाओं से शुरू होता है। गांव स्तर पर 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सेवाएं सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2016 को गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता की राष्ट्रव्यापी स्कीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत उस गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपए अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी। मैंने सभी मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल विकास के लिए आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में 1,56,528 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बजट अनुमान 2017-18 में 1,84,632 करोड़ कर दिया है। हम सस्ते आवासों में अधिक निवेश सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं। सस्ते आवासों को अब संरचना का दर्जा दिया जाएगा जो इन परियोजनाओं को इनसे संबंधित लाभ लेने में समर्थ बनाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में लगभग 20,000 करोड़ के वेस्टि आवास ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करेगा। विमुद्रीकरण से उत्पन्न अधिक नकदी को धन्यवाद कि बैंकों ने आवासों सहित अपने उधार देने की दरें पहले ही कम करनी शुरू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आवास ऋणों के लिए ब्याज सहायता की घोषणा भी की गई है।
गरीबी सामान्यतः कमजोर स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। ये गरीबी होते हैं जो विभिन्न दीर्घकालिक बीमारियों से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस 2018 तक कोड और 2020 तक खसरा समाप्त करने की कार्ययोजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य भी है। इसी तरह IMR 2014 में 39 से घटाकर 2019 तक 28 और MMR 2011-13 में 167 से घटाकर 2018-2020 तक 100 करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केंद्रों में बदला जाएगा। हमें द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। इसलिए हमने प्रति वर्ष अतिरिक्त 5000 स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त बड़े जिला अस्पतालों में DNB पाठ्यक्रम शुरू करने, चुनिंदा ESI और नगर निगमों के अस्पतालों में स्नातकोत्तर शिक्षण सुदृढ़ करने और ख्याति प्राप्त निजी अस्पतालों को DNB पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए जाएंगे।